हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आप एक लेथ मशीन देख रहे हैं और इस लेथ मशीन के ऊपर पाइप है। पाइप के अंदर इंटरनल टर्निंग ऑपरेशन हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्पेशल कैरेज लगा हुआ है और इस कैरेज में ये बार लगा हुआ है और इस बार के एंड पे आपका कटिंग टूल लगा हुआ है जो कि आपका टर्निंग परफॉर्म कर रहा है। और ये बार कंटिन्यूसली अंदर की तरफ जाती है, ये बार है। और यहाँ पर ये आपके ब्लॉक्स लगे हुए हैं, इनसे ये अटैच है और ये पूरा आपका आगे की तरफ मूव कर रहा है तो आप फीड प्रोवाइड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं साथ साथ में कंटिन्यूसली आप कूलेंट या कटिंग ऑयल भी सप्लाई करते हैं जिससे जो हीट जनरेट होती है उसको डिसिपेट किया जा सके और दूसरा अच्छे से कटिंग परफॉर्म हो सके। तो ये आप टूल देख सकते हैं, है ना, ये बार है, बार के एंड पर इस तरह से टूल लगा हुआ है। और ये जो ये आप देख सकते हैं बोरगेज है, इस बोरगेज से बेसिकली इंटरनल डायमीटर को चेक किया जा रहा है कि जो रिक्वायर्ड साइज़ है वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। आप देख सकते हैं ये चक है, चक बेसिकली स्पिंडल पर माउंटेड है और स्पिंडल क्या होता है, हॉलो शाफ्ट होता है। उस स्पिंडल के अंदर आपने इस पाइप को माउंट किया हुआ है और चक घूम रहा है, चक की वजह से आपका वर्कपीस घूम रहा है और इस तरह से आपका इंटरनल टर्निंग परफॉर्म हो रही है। और आप देख सकते हैं दोनों तरफ गार्ड लगे हुए हैं जिससे जो ऑयल है वो स्प्लैश होके बाहर नहीं जाए। ये सामने से देख सकते हैं टूल किस तरह से मूव कर रहा है। और चूंकि यहाँ पे जो मटेरियल है वो बहुत ही डक्टाइल मटेरियल है, इसलिए जो चिप है वो कंटिन्यूस चिप, लंबा चिप जनरेट हो रहा है, काफ़ी बड़ा लेंथ का चिप जनरेट हो रहा है। और बीच बीच में आपको इस चिप को ब्रेक भी करना पड़ता है। ये दोनों एक साथ चलते हैं आपके, ये बेसिकली कैरेज की जगह आपका इस तरह का अटैचमेंट है, तो इसको मैनुअली भी आगे कर सकते हैं और ऑटोमेटिक सिस्टम से भी आगे होता है। ये बेड है, इस बेड के ऊपर ये पूरा जो बार है जिस पर आपका टूल लगा हुआ है वो आगे पीछे हो सकता है और उसके लिए पूरा कैरेज जैसा मैकेनिज्म लगा हुआ है। नीचे लीड स्क्रू घूम रहा है, लीड स्क्रू के घूमने से ये ऑटोमेटिक आगे जा रहा है। ये आप बेड देख सकते हैं, बेड के ऊपर ये गाइडवेज बने होते हैं और इन गाइडवेज के ऊपर ही आपका ये कैरेज जैसा पार्ट है जिसमें आपका ये बार माउंटेड है वो आगे पीछे हो रहा है। इस तरह गाइडवेज हैं और गाइडवेज पे आप लुब्रिकेंट वगैरह प्रोवाइड करते हैं एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे। ये फीड अभी ऑटोमेटिक दी जा रही है और यहाँ पे मैनुअल फीड भी प्रोवाइड किया जा सकता है। ये बार पे टूल लगा हुआ है वहाँ पे और ये दोनों जो हेड हैं ये अटैच हैं एक साथ, ये मीन्स एक ही में हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कूलेंट किस तरह से सप्लाई किया जा रहा है। ये कूलेंट का नीचे टैंक है और आप देख सकते हैं इस टैंक में कंटिन्यूसली आता भी है और यहाँ से ये पंप लगा हुआ है। इस पंप के थ्रू ये पाइप है, ये ट्यूब है, इस ट्यूब के थ्रू इस तरह से जाता है और यहाँ पे जो बार है बार के साथ ये ट्यूब अटैच है, तो इस तरह से जाता है और जहाँ पर भी टूल आपका है टूल पर जो कूलेंट है वो बाहर निकलता है। ये स्प्लैशिंग आप देख सकते हैं और स्प्लैश होने के बाद ये फिर दोबारा से नीचे कलेक्ट हो जाता है और फिल्टर होने के बाद दोबारा से यूज़ होता है, लेकिन कुछ समय बाद थोड़ा थोड़ा कटिंग ऑयल या कूलेंट इसमें मिलाना पड़ता है क्योंकि धीरे धीरे क्वांटिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, कुछ कूलेंट क्या होता है इवोपरेट हो जाता है। देखिए अब टर्निंग हो चुका है तो आपने टूल को पीछे ले लिया, बार को ये मैनुअली इसको पीछे ले लिया आपने और पीछे लेने के बाद अब आप उस पाइप को यहाँ से निकालेंगे, जो चक है चक में से उस पाइप को निकालेंगे। देखिए इसके अंदर जो चिप वगैरह हैं उसको निकाला और निकालने के बाद फिर क्लीनिंग किया। अब इसको चक को आप खोलेंगे
ये पहले साइज चेक करेंगे, साइज एक्यूरेट हुआ है नहीं, और उसके बाद खोलने के बाद इसको निकाल लिया जाएगा। ये गेज है और गेज से भी आप साइज चेक करें पूरे में डाल के, तो इस गेज से आपको समझ में आ जाएगा कि जो भी रिक्वायर्ड साइज़ है वो आया है या नहीं आया है। ये आपने निकाल लिया है पाइप। अब इसके बाद दूसरा पाइप को इस तरह से इंसर्ट करेंगे, और इंसर्ट करने के बाद ये आप इससे जो आपका की है इससे टाइट कर देंगे। ये मशीन दोबारा से स्टार्ट कर दिए, सेम प्रोसेस पे दोबारा से रिपीट होगा। ये अभी देख सकते हैं मैनुअली किया जा रहा था, और मैनुअल के बाद फिर अब ये ऑटो मोड में, सबसे पहले फेसिंग किया, फेसिंग करने के बाद अब ये ऑटो मोड में लगा दिया इसको। ये कंटिन्यूसली टूल अंदर की तरफ मूव करता रहेगा। लॉन्गिट्यूडनल फीड इसमें प्रोवाइड करते हैं, और एक बार में करीब आपका 1 mm 1.5 mm कटिंग इसमें परफॉर्म कर रहे हैं। और ये आपका हेड स्टॉक है, ये आपको मालूम ही है हेड स्टॉक है। यहाँ पे पावर ट्रांसमिशन किस तरह से हो रहा है वो देख सकते हैं। नीचे मोटर लगा हुआ है, मोटर से फिर यहाँ पे पुली में पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं, पुली से फिर हेड स्टॉक, और फिर ये नीचे से यहाँ पे फीड के लिए लीड स्क्रू किस तरह से रोटेट पावर ट्रांसमिशन हो रहा है वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक गेज लगा हुआ है जिससे जो पाइप है जितना रिक्वायर्ड अंदर जाना चाहिए उतना ही अंदर जाता है। ये गियर्स के थ्रू, यहाँ पे इन गियर्स के थ्रू फिर आपका ये लीड स्क्रू में पावर का ट्रांसमिशन हो रहा है आप फीड प्रोवाइड करने के लिए, जो कह रहे थे उसको पूरे को फीड प्रोवाइड। सो थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब।